नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूडाइस प्लस में नए शिक्षक को कैसे ऐड करें। इसका ऑप्शन इसमें आ चुका है। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। सबसे पहले किसी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे यूडाइस प्लस। को क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं इस तरह से एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम यहाँ टीचर मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं आप। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम यूडाइस प्लस का यूजर नेम और यहाँ पासवर्ड दर्ज करने के बाद यहाँ कैप्चा कोड लिखेंगे। यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक नया पेज खुल जाता है जिसमें स्कूल की जानकारी प्रदर्शित होती है। यहाँ पर देखेंगे क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीएफसी टू फिल द डाटा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से एक नया पेज खुल जाता है अपने स्कूल में नए टीचर स्टाफ को जोड़ने के लिए। यहाँ देख सकते हैं टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजिशन, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं एड न्यू टीचर का ऑप्शन यहाँ प्रदर्शित होता है। आप यहाँ से इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ नए स्टाफ को जोड़ने के लिए हम जोड़े पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। यहाँ से इस पेज को पूर्ण रूप से भरना होगा, तो चलिए हम इसको भर लेते हैं। यहाँ पर तो साथियों इस तरह से यहाँ शिक्षक का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में यहाँ लिख लेंगे। यहाँ लिंग मेल फीमेल चुन लेंगे, यहाँ जन्मतिथि लिख लेंगे। यहाँ राज्य कोड में हम समग्र आईडी भी लिख सकते हैं, समग्र आईडी लिख दें यहाँ। इसके पश्चात यहाँ सामाजिक श्रेणी एसटी एससी ओबीसी जनरल यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ शैक्षणिक योग्यता लिख सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है बी, क्या है बीए बीएससी बीकॉम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उच्चतम व्यावसायिक योग्यता चयन कर लेंगे। आप इसमें से जो भी चयन करना चाहते हैं, जो शिक्षक का उच्चतम व्यावसायिक योग्यता है। इसके पश्चात यहाँ पर शिक्षक का मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज करेंगे। इसके पश्चात ईमेल आईडी यहाँ और शिक्षक का आधार नंबर यहां दर्ज करेंगे, आप देख सकते हैं। और इसके पश्चात यहां शिक्षक का नाम जैसा कि आधार पर है यहां दर्ज करेंगे। इसके पश्चात यहां पर देख सकते हैं गणित विषय का अध्ययन स्तर, आप शिक्षक किस क्लास तक गणित विषय का अध्ययन किया है यहां दर्ज करेंगे। विज्ञान का अध्ययन किस कक्षा तक किया है वो दर्ज कर लेंगे यहाँ। इस प्रकार यहाँ अंग्रेजी का अध्ययन स्तर जो है, अंग्रेजी का स्तर है दर्ज करेंगे। इसके पश्चात सामाजिक विज्ञान विषय का अध्ययन स्तर यहाँ दर्ज करेंगे। इसके पश्चात भाषा का अध्ययन स्तर यहाँ दर्ज करेंगे। और विकलांग, यहाँ से यदि किसी प्रकार से विकलांग है तो यहाँ चुनेंगे, और विकलांग नहीं है तो नॉट एप्लीकेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। और सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की जो तिथि है उसे यहाँ दर्ज करेंगे। इतना दर्ज करने के बाद यहाँ देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ उस शिक्षक की जानकारी प्रदर्शित होती है, यहाँ चेक कर लेंगे। इसके पश्चात यहाँ कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करते ही इस तरह से एक नया पेज खुल जाता है। दूसरे पेज में हम आ जाएंगे और यहाँ नियुक्ति और शिक्षण में हम इस ऑप्शन को भर लेंगे। इस तरह नियुक्ति की प्रकृति आप देख सकते हैं, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट टीचर इसमें से चुनेंगे। और यहाँ अध्यापक का प्रकार चुन लेंगे, टीचर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल लेक्चरर असिस्टेंट टीचर क्या है यहाँ चुनेंगे। इसके पश्चात यहाँ देखते हैं वर्तमान स्कूल में पदस्थापना वर्ष, वर्तमान स्कूल में जो नियुक्ति तिथि है उसे यहाँ लिख लेंगे। और किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं
तो आप देख सकते हैं यहाँ से किन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए नियुक्ति की गई है उसे चुन लेंगे। और यहाँ से देखते हैं स्तर पर नियुक्त वैकल्पिक व्यवस्था जो है ये इसे चुन लेंगे यहाँ से। इसके पश्चात विषय के संबंध में नियुक्ति, इस विषय के संबंध में इस टीचर को नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, जो भी आप जिस विषय के लिए आप नियुक्त किए गए हैं उसे यहाँ चुनेंगे। इसके पश्चात मुख्य विषय जिसको यह टीचर पढ़ाता है उसे चुन लेंगे यहाँ से। और इसके पश्चात यहाँ देख सकते हैं दूसरा जो विषय है कौन सा पढ़ाते हैं यहाँ चुन लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप यह क्या यह शिक्षक दूसरे स्कूल से प्रतिनियुक्ति पर है तो यहाँ नहीं पर क्लिक करेंगे। क्या शिक्षक दूसरे स्कूल में अतिथि या संपर्ककर्ता के रूप में पढ़ा रहे हैं तो यहाँ हाँ नहीं, आप यदि दूसरे स्कूल में भी पढ़ाते हो तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। और इस तरह से यहाँ देख सकते हैं अपडेट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अपडेट पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह से एक और नया पेज खुल जाता है, यहाँ देख सकते हैं। इसके पश्चात हम आ जाते हैं प्रशिक्षण एवं अन्य जो प्रकार हैं उसमें, यहाँ पर देख सकते हैं CWSN अध्यापन हेतु प्रशिक्षित हैं, यहाँ हाँ नहीं पर क्लिक करेंगे और चुन लेंगे। यहाँ कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के जरिए अध्ययन में प्रशिक्षित हैं, यहाँ हाँ नहीं चुनेंगे। प्राप्त किए गए प्रशिक्षण, यहाँ से आप जो प्रशिक्षण टीचर ने प्राप्त किया है उसे चुन लेंगे। और इसके पश्चात प्रशिक्षण की आवश्यकता, यहाँ टीचर को किस प्रशिक्षण की आवश्यकता है यहाँ से चुन लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं आप गैर शैक्षणिक कार्य पर व्यतीत कार्य दिवस, यहाँ जितने कार्य दिवस हैं उसकी संख्या यहाँ दर्ज करेंगे और नहीं है तो जीरो लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप भाषा जिसमें शिक्षक को कार्य साधक ज्ञान है, कौन कौन सी भाषा का ज्ञान है यहाँ से आप चुन लेंगे। यहाँ प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा आप जो शिक्षक जानता है उसे चुन लेंगे। और यहाँ तृतीय भाषा यदि जानता है यहाँ से चुन लेंगे। इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर आप इसे पढ़कर हाँ नहीं पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से आप इसे देख सकते हैं, इसे भी पढ़कर यहाँ हाँ या नहीं चुन लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं अपडेट, यहाँ अपडेट पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही अपडेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ मैसेज आ जाता है कि टीचर ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। और इसके पश्चात यहाँ हम देख लेंगे उस टीचर को, इस तरह से उस टीचर की जानकारी यहाँ से प्रदर्शित हो जाती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके पश्चात यदि टीचर की जानकारी सही होती है तो यहाँ से हम देख सकते हैं वेरिफिकेशन आधार, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह टीचर आधार से वेरीफाई हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ से वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन हट जाता है। तो साथियों ये थी आज की जानकारी, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।